नमस्कार, सच कहूँ न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ाने की मांग, पीएम मोदी की जमानत जब्त होने का दावा। चंदा कोचर केस में एफआईआर करने वाले सीबीआई अफसर का तबादला, सूचना लीक आरोप करने की जांच। तमिलनाडु के बाद केरल पहुंचे पीएम मोदी, मदुरई को दिया एम्स का तोहफा। शिवपाल ने कहा, जब मुलायम ने मायावती को बहन नहीं माना तो वह अखिलेश की बुआ कैसे हो गई। महिला अधिकारी का सख्त एक्शन, लखनऊ से देर रात बांदा पहुंच रुकवाया अवैध खनन। और अब खबरें विस्तार से। प्रियंका गांधी की राजनीति में आने की खबर के बाद से आगामी आम चुनाव के लिए उनकी लोकसभा सीट को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव और पार्टी के पूर्वांचल प्रभारी प्रियंका गांधी को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की मांग की गई है। यह मांग वाराणसी जिला कांग्रेस ने की है। इस संबंध में जिला कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर पार्टी के आला कमान को अपनी मांग भेज दी है। वाराणसी जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक में वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार पर बातचीत हुई। इस दौरान सभी सदस्यों और नेताओं ने काफी विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया है कि वाराणसी से प्रियंका गांधी को ही चुनाव लड़ना चाहिए। इसके बाद प्रियंका गांधी को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की मांग से संबंधित प्रस्ताव पास करके वाराणसी जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रस्ताव पत्र भेज दिया है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के एमडी वेणुगोपाल धुत के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी सुधांशु धर मिश्रा ने ये केस दर्ज किया था कि जिसका तबादला कर दिया गया है। दिल्ली में सीबीआई के बैंकिंग और सुरक्षा धोखाधड़ी सेल में मिश्रा की जगह विश्वजीत दास को तैनात किया गया है। वही सीबीआई के उच्च सूत्रों का कहना है कि इस मामले की सूचना लीक करने के आरोप की वजह से अधिकारी का तबादला किया गया है। सूचना लीक करने के मामले में आंतरिक जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु दौरा खत्म कर केरल पहुंचे हैं, जहां वे राज्य को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इससे पहले उन्होंने मदुरई में एम्स की आधारशिला रखी। यहां लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस स्वास्थ्य सेवाओं पर है। आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत गरीब से गरीब लोगों के लिए गंभीर बीमारी के इलाज की व्यवस्था की गई है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ बेहद सक्रिय शिवपाल सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बुआ होने पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने फिरोजाबाद से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर खलबली मचा दी है। इटावा में कल गणतंत्र दिवस पर शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन पर भी तंज कसा। शिवपाल का कहना है कि जब मुलायम सिंह यादव और मैंने मायावती को बहन नहीं बनाया तो फिर वो अखिलेश की बुआ कैसे हो गई। उत्तर प्रदेश के बांदा में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से नदियों में बड़े पैमाने पर हो रहे बालू के अवैध खनन पर खनिज निदेशक रोशन जैकब ने गोपनीय तौर पर लखनऊ से आकर बड़ी कार्रवाई की है। दो दिन की लगातार छानबीन में जिले के अलग अलग मार्गों से 183 ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने करोड़ों की राजस्व रिकवरी और खनन माफियाओं के साथ खड़े दिख रहे जिला प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। खनिज निदेशक रोशन जैकब ने केन नदी पर दो खदानों को सीज करने के साथ शेष अन्य की जांच के आदेश दिए हैं। ये वही दो खदानें हैं जिन पर 8-9 जनवरी की रात एसएसपी एलबीके पाल और एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने छापा मारकर 100 से ज्यादा ट्रक और 7 पोकलैंड मशीनों को जब्त किया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज प्रयागराज के कुंभनगर में करीब 3 घंटे के प्रवास के दौरान संगम में डुबकी लगाएंगे। अखिलेश यादव ने कुंभनगर में आज संतों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने संतों से आशीर्वाद भी लिया। उसके साथ पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी और महासचिव इंद्रजीत सरोज भी हैं। उत्तराखंड के चंपावत इलाके में रविवार को एक
पिकअप वैन बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस और SDRF की टीम ने उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। एक अधिकारी ने बताया कि हादसा पिथौरागढ़ रोड पर हुआ है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है। योजना के तहत 728 स्कूल भवनों पर 4 मेगापिक्सल के करीब 1.5 लाख कैमरे लगाए जाएंगे। इस पर 5,097 करोड़ रुपए का खर्च होंगे। सरकार के वर्क एडवाइजरी बोर्ड ने पिछले सप्ताह इस योजना को फाइनल मंजूरी दी थी। इसमें 3 तरह के कैमरे लगाए जाएंगे, बुलेट कैमरा स्कूलों के खुले स्थानों पर, डोम कैमरे क्लासरूम और PTZ कैमरा प्रवेश द्वार पर लगाए जाएंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।